Yeah, rolling hard. How are you? Oh. क्या व्यू है, पूंछ हिला रहा है, इसका मतलब खुश है। थोड़ा सा हिलाओ इसको। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले पार्ट में जैसा कि हम सभी ने देखा, हम लोग ताबो जो कि स्पीति में है, यहाँ से निकल पड़े थे और अपने आगे के सफ़र पर हमने अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है वो बनाया था काजा को, और हम यहाँ से काजा के लिए निकल चुके थे। यह जो काजा विलेज है, यह ताबो से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे जाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इस रास्ते में काफ़ी ही ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे हमें रुकना पड़ा और वहाँ भी शूट करना पड़ा। ऐसी ऐसी सीनरी थी, ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट थे जिन्हें हमें देखकर काफ़ी ही आनंदित महसूस हुआ। जाना है अभी हमने वहाँ, यहाँ से काजा है 20 किलोमीटर आगे, तो हम आते हैं काजा की तरफ। ताबो से निकलने के बाद हम लोगों ने रास्ते में कई जगह विश्राम किया और इसी बीच हम काफ़ी लेट हो गए काजा के लिए। काजा पहुँचते पहुँचते शाम अंधेरा हो चुका था और रात को 8 बजे हम काजा पहुँचे, और हमारी बैटरी कम होने की वजह से हम रात को ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। इस वजह से हम खाना खा के जल्दी ही सो गए। अब हम कल सुबह यहाँ आपको काजा गाँव को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, तो वेट करते हैं हम कल सुबह होने का। मॉर्निंग होते ही ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जा पहुँचे काजा से ठीक ऊपर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध भगवान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है, जहाँ से पूरे काजा गांव का अद्भुत दृश्य देखकर मानो सारी ही थकान दूर हो जाती है। हम उस पॉइंट पे गए। पूंछ हिला रहा है, इसका मतलब खुश है। थोड़ा सा हिलाओ इसको। खुश है यार, देखने में बड़ा खतरनाक है। 2-3 कुत्ते आए मेरे पीछे एकदम से, मैं तो पत्थर उठा लिया। जन्नत तो उसने लगाया है ना, मैंने तो नहीं लगाया ना भाई, मैं नहीं जानता। क्या व्यू है, तो भी फोटोज खींचो, एक एक दो दो साल।
गाज़ा में देखने लायक स्थानों में सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे बौद्ध मोनेस्ट्री है जो कि NH-05 के साथ सटा हुआ है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पर रंगरिक गांव पड़ता है, जहाँ से होकर आप मनाली अटल टनल की ओर जा सकते हैं, जो रास्ता सीधा मनाली के लिए जाता है। काजा गांव की सुंदरता को निहारने के बाद हम चल पड़े अपने आगे की सफ़र की ओर और सबसे पहले हम जा पहुंचे स्पीति रिवर की तरफ और वहां हमने कुछ मेमोरीज़ और कुछ यादगार पल के साथ स्नो को एंजॉय किया। तो गाइस, यह था हमारे स्पीति एडवेंचर का एपिसोड 2। अब हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर जल्द ही आप लोगों के सामने आएंगे, जिसमें हम आप लोगों को काजा से आगे तक का खूबसूरत सफ़र, जिसमें एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज और वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज किब्बर के बारे में आपको बताएंगे और यहाँ की जो बेहतरीन और खूबसूरती है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोग बस ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वारीज़ है, अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।